आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे आप रो क्यों रहे हो सोनल? आई एम सो सॉरी। दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। वेलकम बैक टू माई चैनल द मोटर माउथ, इट्स मी सोनल कौशल। मुझे पता है बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ, बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वजाहत ने फिर से कोशिश की मेरे ऊपर प्रैंक कॉल करने की, लेकिन इस बार मुझे पता था कि वो मुझ पर प्रैंक कॉल कर रहे हैं और मैं पहचान गई थी, मैं शुरू में ही पहचान गई थी। एंड मैंने उल्टा उनके ऊपर प्रैंक किया जो कि मेरे दूसरे चैनल द मोटर माउथ कपल पे अवेलेबल है। तो अगर आपने दोनों वीडियोस देख लिए तो आपको ये वाला वीडियो देख के तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखेगा वजाहत के रिएक्शंस। सो सिंस ही वाज शूटिंग फॉर हिज ओन प्रैंक कॉल, तो ऑफ कोर्स जब मैंने रिएक्शन दिया तो वो अपना कैमरा बंद तो नहीं किया उन्होंने, और उनके जो भी रिएक्शंस थे वो भी कैमरा पे रिकॉर्ड हुए, और मैंने उनसे वो वीडियो मंगवा ली है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब मैंने गुस्सा करने की एक्टिंग की वजाहत पे, और जब मैं रोने लग गई, एक्टिंग करने लग गई कि मैं रो रही हूँ, तो वजाहत को कैसा फील हुआ और उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो, पूरा वीडियो देखने के बाद, प्लीज डू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। हेलो। अरे आपने तो ऐसे एकदम अब्रप्टली फोन काट दिया। ऑफ कोर्स ना यार, ऑफ कोर्स अब्रप्टली फोन काट दिया क्योंकि मैं बिजी हूँ। मतलब आप ठीक है, आप अगर प्रैंक कॉल कर रहे हो, मतलब आप टाइम निकाल के पूरी प्लानिंग के साथ प्रैंक कॉल कर रहे हो, पर सामने वाला बंदा फ्री है कि बिजी है कि क्या कर रहा है। आई हैव हैड सच अ लॉन्ग डे टुडे, सिंस मॉर्निंग आई वाज आउट, कल रात को ही मैं अंडमान से वापस आई हूँ, और सुबह से मैं पूरा स्टूडियो में, आई वॉज सो इरिटेटेड। अरे तो मैं तो फन के लिए, मेरे को पता था आप अंडमान गए यार, हो फन तो... आपको पता था मैं अंडमान में हूँ, वेरी गुड, बट फन का भी एक देयर इज अ लिमिट ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं बिजी हूँ, आपको कॉल करती हूँ, मतलब मुझे तो लगा कि पता नहीं कौन है मुझसे बात कर रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही समझ गई थी कि आप हो कबाड़ी वाला, मतलब ऐसे तो बात करता ही नहीं है। अच्छा, इफ यू आर फीलिंग बैड, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, इसको नहीं अपलोड करेंगे वीडियो को आप। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा अभी काम वगैरह में बिजी हो। नहीं तो जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं काम में बिजी हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए था ना। अरे तो वो मेरे को इतना रियलाइज नहीं कर पाया। आप कैसे उत्कर्ष, आप कैसे कैमरा लेके खड़े हुए हो यहाँ पे पहले से ही? आपको पता था कि ये प्रैंक कॉल होने वाली है? वो मैंने ही बोला था उत्कर्ष को। यार आप मेरे पति हो क्या, आप इनके दोस्त हो? आपको मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। उन्होंने बोला कि वो लाइटली ऐसी आपसे प्रैंक करना चाहते हैं, पर आपको पता है ना कि मैं कितना, आपको पता है ना कि मैं कितना यहाँ पे यार काम में बिजी हूँ, और अभी हम लोगों से। मुझे पता है, लेकिन वजाहत ने बोला था 5 मिनट में हो जाएगा, मुझे थोड़ी ना पता था कि 20-25 मिनट से प्रैंक ही खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा सोनल, आप गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी। आप नहीं यार, आप सॉरी मत बोलो, दिस इज नॉट डन, सॉरी। नहीं मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, द टाइम विल नॉट कम बैक ना, सॉरी से। आई वोंट बॉदर यू अगेन, आप इतना गुस्सा मत करो, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा प्रोजेक्ट को, ऐसी कोई प्रैंक कॉल नहीं आएगी। आई एम सो सॉरी। नहीं यार, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग यार वजाहत, I've been so upset since morning. अरे आप रो क्यों रहे हो? सोनल, I'm so sorry. I didn't knew कि आप इतना ज़्यादा काम की वजह से, I understand कि आप बाहर गए थे, बाहर से आप वापस आए। यार मैं बाहर से वापस, हम लोग कल इतने अच्छे मूड के साथ आए हैं, आज सुबह से I've been so, it's been so hectic. I'm so for sorry me यार, since morning. And परी मुझे नहीं पता था, आप रो मत यार ऐसे, आप you are making me feel really bad. मैं बाद में बात, you made me feel so bad. I'm so sorry यार, मैं नहीं ये prank call को डालूंगा नहीं, मैं upload नहीं करूंगा. I'm so sorry यार. That's all happened. Sorry तो नहीं, sorry won't do anything. I'll do one thing. I'll send you my address. You send some chocolates and then it'll be okay. What? Hello? हाँ अरे यार ऐसे कौन
यार, मैंने शुरू में ही पहचान लिया था दैट इट वाज यू। तो ये आपने क्या, आई वाज आल्सो डूइंग अ प्रैंक ऑन यू, डोंट वरी। मैं कोई से इरिटेटेड नहीं थी, आई वाज ऑल ओके। यार व्हाट द हेल, एसी चल रहा है और मुझे पसीने आ रहे हैं यार। सोनल ऐसे कौन करता है यार, मतलब अल्टीमेट लड़कियों का हथियार। आपने रोना भी मतलब ट्राई कर लिया, मेरे ऊपर गुस्सा भी दिखा दिया, रोना भी कर लिया। यार दिस इज नॉट डन, कि मुझे ना गुस्सा आ नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं गुस्सा करूं आपके ऊपर, पर मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा गुस्सा नहीं आ रहा तो रो पड़ते हैं। दिस इज नॉट डन यार, आपने तो आई नो। आपको पता है कि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर कभी वजाहत का प्रैंक कॉल आया तो मैं उल्टा प्रैंक करने वाली हूँ वजाहत पे। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। ये मैं तो बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ उस जोन से, आपको रोने वाली आवाज सुन के मैं बिल्कुल ही भूल गया कि आप भी आर्टिस्ट, मैं भी आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है एंड आई लिटरली फॉरगॉट। और नहीं, मेरी चाल मुझी पर भारी पड़ गई आज। यस यस ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मेरी तो आवाज भी नहीं, आपको डराने के लिए आई एम सॉरी। नाउ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रोऊं या हंसूं, मैं करूं मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर पहले तो एक सेकंड, आप उत्कर्ष आप आना जरा फ्रेम में। उत्कर्ष की क्लास मत लेना, सारा आइडिया मेरा था। अभी एक सेकंड भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, ये क्या क्या हो गया ये, मतलब मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। मुझे भी ये समझ नहीं आया, पहले तो मुझे लगा ये कहीं मेरे पे भारी ना पड़ जाए, फिर चलो भगवान ने मेरा साथ दे दिया। थैंक गॉड। आप मुझे बता नहीं सकते थे क्या कि ये अरे मतलब... वजात ने बोला था 5 मिनट की एक एकदम आज फनी कॉल करनी है, कुछ अलग होगा। अच्छा, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी फन के लिए था। फन क्या यार, मेरे लिए तो आपने दिमाग पे गन लगा दी है, काय का फन यार। मेरा तो मूड ही सारा ऑफ हो गया है। अरे मूड ऑफ मत करो, देखो ऐसा है, जब आप प्रैंक करते हो और आपका जब भांडा फूट जाता है, मतलब आप खुद ही फोड़ते हो कि मैं वजाहत बोल रहा हूँ, तो सामने वाले बंदे को भी ऐसा ही फील होता है ना। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप भी इसको अच्छे वे में लो। वजाहत हम चॉकलेट्स भिजवा देंगे आपके लिए। अभी पता चले पहले इन्होंने मेरे पे प्रैंक किया, तो मैंने उल्टा प्रैंक किया, अभी पता चले ये मेरे पे उल्टा प्रैंक कर रहे हैं दिखा के कि मैं नाराज हूँ। मेरी तो खटिया खड़ी कर दी मैडम। ओके मैडम बाय, बस बाय बाय। बहुत ही बेहतरीन प्रैंक कर दिया नोनी जी आपने तो। गाइस मुझे तो ये वाली प्रैंक कॉल में सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैंने पहचान लिया था कि ये वजाहत है, और उसके बाद इंस्टेंटली मुझे लगा कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो देख के उतना ही शानदार महसूस हुआ है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज द मोटर माउथ।